घुटनों के अंदर जो कम उम्र पर अर्थराइटिस हो जाती है, जो गैप कम हो जाता है और उसे परेशानी होती है, ये भाई साहब भी इससे ग्रसित हैं और इनके घुटनों के अंदर जो अंडर वाली जो कार्टिलेज है वो खिंच गई है और जॉइंट स्पेस कम हो गया है, तो इनको हम एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। इसके क्वाड्रिसेप्स कहते हैं क्योंकि फ्रंट में यहाँ पर चार मसल्स होती हैं, एक दो तीन चार मसल्स होती हैं और ऐसे एक दो तीन चार मसल्स, उन चारों को मिलाकर क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। जो यहाँ पर हड्डी होती है पटेला, उस पटेला पे कनेक्टेड रहती हैं ये, तो ये चार मसल्स और पटेला से यहाँ टिबिया बोन पर कनेक्टेड रहती है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। इसको करने का तरीका, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों के बीच में ये गैप आने लगता है, ये पहले मिले रहने चाहिए, इनके अंदर बीच में गैप आने लगता है और गैप को ही हमें खत्म करना होता है और इनको मजबूत करना, दो चीजें, इस गैप को खत्म करना है, ये अंदर वाली मांसपेशी कमजोर हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है, उसी से घुटने की अर्थराइटिस होती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक तरीका है, आप अपनी टांग को ऊपर उठाइए, इसको इसके नीचे फंसा लीजिए, मेज के अंदर इसको उठाइए, इसके नीचे फंसा लीजिए, इसकी जांघ के नीचे फंसा लीजिए एकदम, और इन कलाइयों से आप इन दोनों को दबाइए, इसके बीच का गैप खत्म करिए, कलाइयों ये तो इन दोनों जांघों की ताकत से इनको दबाइए दबाइए, और इसके बीच में एक इस तरह ये पेपर फंसा लीजिए या कोई मैगजीन फंसा लीजिए अखबार, और ये अखबार गिरना नहीं चाहिए, ये अखबार गिरना नहीं चाहिए, तो ये जांघ राइट वाली लेफ्ट वाली जांघ इन दोनों की कस के इसको अखबार को दबा लीजिए, और ये जांघ के नीचे राइट वाला हाथ, राइट जांघ के नीचे राइट वाला हाथ, नीचे हाथ, तो इन दोनों कलाइयों से भी जांघों को दबाना है और दोनों तो टोटल है, इसको ये अखबार नहीं देना चाहिए, और धीमे धीमे से इस अखबार को उठाए, पैर को उठाइए ऊपर और पूरे एकदम स्ट्रेट कर दिए, अखबार नहीं गिरना चाहिए, जब ये ऊपर आ जाए तो इसको दबा के रखिए और इन पंजों को अपनी तरफ खींचिए, और ऐसा 20 छोटी उंगली की तरफ से, जैसे पैर एकदम फ्लैट हो जाए, छोटी उंगली की तरफ से दबाइए, छोटी उंगली की तरफ से पैर दबाइए, इधर से ये फ्लैट हो जाना चाहिए और टांगों को ऊपर खींचे, पूरा घुटना सीधा हो जाए, इस तरह से इसको मेंटेन रखना है 20 की गिनती तक, एक दो बनी मैंने गिनती की दीजिए, मनोजी गिनती गिरी है ये 20 तक, जब 20 हो जाए तो पंजों को छोड़ दीजिए, 20 तक छोड़ दीजिए, पैरों को नीचे घुटने मोड़ लीजिएगा और जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर ले जाइए, लेकिन घुटने से ये पैर नहीं, अखबार नहीं गिरना चाहिए, अखबार या जो मैगजीन है वो गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब 5 तक वहां रखिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर उठाइए, हाँ, फिर पंजों में छोटी उंगली तरफ से, ये छोटी उंगली तरफ से खींचिए, छोटी जैसे ये पूरा फ्लैट आ जाए, ये एकदम फ्लैट आ जाए, ये तिरछा नहीं, ये वैसे ऐसे तिरछे हो जाते हैं, इस तरह से ये तिरछे इस तरह से हो जाते हैं, ये तिरछे हो जाते हैं, तिरछे नहीं होने चाहिए, इधर से खींचिए, इधर से दोनों तरफ से खींचिए, अंगूठे भी खींचिए, अंगूठे भी खींचिए, और यहाँ 20 की गिनती तक खींचिए और घुटने भी एकदम स्ट्रेट रखिए 20 की गिनती तक, जब 20 हो जाए तो गिरा दीजिएगा, हाँ एकदम स्ट्रेट, पंजा छोटी उंगली से खींचिए, वेरी गुड, अब गिरा दीजिए, हाँ अखबार नहीं गिरना चाहिए, अब पीछे अंदर तक ले जाइए और अंदर तक 5 की गिनती तक ले जाना है, 5 हो गए, फिर ऊपर लाइए 20 की गिनती तक, और फिर ये छोटी उंगली सीधा सीधा पूरे ये फ्लैट होना चाहिए, एकदम फ्लैट, थोड़ा इधर से और दबाइए, थोड़ा इधर से और दबाइए, और घुटने एकदम स्ट्रेट रखिएगा, एकदम स्ट्रेट घुटने एकदम स्ट्रेट रखिए, ठीक 20 तक हो जाए फिर नीचे गिरा दीजिएगा, फिर गिरा दीजिए नीचे, फिर अंदर ले जाइए, 5 की गिनती तक रखिए, इस तरह से बॉडी स्ट्रेट एकदम तली हुई सीधी, कमर नहीं झुकानी, फिर ले जाइए, फिर वो उठाइए 20 तक, उंगलियां भी ऊपर जानी चाहिए, ये उंगलियां भी ऊपर जानी चाहिए, ये उंगलियां भी ऊपर, और पंजा और छोटी उंगली से खींचिए, एड़ी मिली रहेगी इस तरह से, एड़ी मिली, ये यहां पूरा मिला रहेगा, तो अंगूठे से लेके एड़ी तक और यहां से लेके यहां तक पूरा कहीं कोई गैप नहीं आना चाहिए इसके अंदर, करिए और ऐसा कम से कम 10 रिपीटेशन करने हैं आपको, ठीक। अब आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ऊपर लाइए फिर ले जाइए वापस, अखबार दबा रहेगा, फिर ऊपर लाइए, अब थोड़ी उंगली से खींचिए 5 तक, फिर नीचे ले जाइए, अब जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो जरा नीरज जी ये बांधिए, उसके ऊपर एक थोड़ा सा वेट बांध लेते हैं, घर में नमक की थैली तो नमक की थैली बांध लीजिए,
कोई गेहूं की थैली है, चावल की थैली है, कोई एक थैली इस तरह से लेके चुन्नी से बांध सकते हैं, या कोई वेट कप होगी तो वेट वेट कप है। हाँ, ये शुरुआत आधा किलो से करें, आधा किलो, फिर अगले दिन उसके अंदर फिर 500 ग्राम या रेती के एक थैली बना लें और उसको इस तरह से बांधे, फिर ही चले जाइए, फिर ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए। हाँ, और इस वजन को धीमे धीमे बढ़ाते हुए आप आराम से 5 किलो तक ले जा सकते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, और ये मेरा दावा है कि यदि कोई आदमी जवानी से 30 ईयर्स से एक एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर दे तो 100 साल की उम्र तक उसके घुटने खराब नहीं होंगे, ना कभी घुटने चेंज होंगे, ये मेरी गारंटी है। पर ये करना पड़ेगा, रोजाना वजन नॉर्मल रखे इसको करता रहे तो पूरी जिंदगी के अंदर घुटना चेंज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।